नेगेटिव चार्ज का बढ़ना भी रिडक्शन। जैसे कि यहाँ देखो CH3Cl, CH3Cl में यहाँ कार्बन की देखें, यहाँ कार्बन की जो स्टेट है कितना है -2 CH3Cl, मतलब ये क्लोरोफॉर्म। तो CH3Cl में यहाँ कार्बन -2 है, लेकिन मीथेन में अगर देखें कार्बन -4, मतलब यहाँ क्या हो रहा है इसका स्टेट, इसका नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, कार्बन का बढ़ रहा है, कहते हैं कार्बन क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है, तो इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज इसको हम कहते हैं रिडक्शन। तो ये हो गया। उसके बाद हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट्स, ये बेसिक चीज़ें। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा इसको सिंपली डिफाइन करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो अपना पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है और नेगेटिव को बढ़ा रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा इलेक्ट्रॉन को निकालता है, तो सिंपल हम कहें सब्सटेंस दैट इंक्रीजेस इट्स नेगेटिव चार्ज एंड डिक्रीजेस इट्स पॉजिटिव चार्ज, वो सब्सटेंस जो रिएक्शन में अपना नेगेटिव चार्ज बढ़ाए या अपना पॉजिटिव चार्ज कम करे, नेगेटिव चार्ज बढ़ाए या पॉजिटिव कम करे, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा रिड्यूस होता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो वो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आप सिंपल, अगर इलेक्ट्रॉन को उसने एक्सेप्ट किया तो उसका प्लस क्या हो जाएगा, कम, उसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो अपने नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज करेगा और पॉजिटिव को डिक्रीज करेगा, वो होता है ऑक्सीडाइजिंग। रिड्यूसिंग इसका उलट है, ये इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो उसका प्लस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, नेगेटिव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, हम कहेंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर, हम कहेंगे वो सब्सटेंस जो अपना पॉजिटिव बढ़ाए लेकिन अपना नेगेटिव कम करे, हम कहेंगे इंक्रीजेस क्या पॉजिटिव चार्ज यानी ऑक्सीजन स्टेट एंड डिक्रीजेस नेगेटिव चार्ज, जो अपना नेगेटिव डिक्रीज करे और पॉजिटिव को इंक्रीज करे वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। डोनर तो इंक्रीज, जो पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करता है, अपने पॉजिटिव इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज चेयर कैसे चलेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डोनर ही रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इलेक्ट्रॉन डोनर को आप कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को आप कहते हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिंपल कहने का मतलब है जो अपना पॉजिटिव चार्ज बढ़ा रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और अपना नेगेटिव चार्ज कम होकर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो मतलब वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूस होता है। तो ये से है इम्पोर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हम कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिस्कस करेंगे, कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकते हैं। नंबर वन, तो पहला इसमें वो मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वो मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का बना होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर बिहेव कर सकता है, जैसे कि हैलोजन्स, जैसे कि हैलोजन्स ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ओजोन है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब वो मॉलिक्यूल जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकते हैं। नंबर वन, तो नंबर सेकंड है, दूसरा में है एक कंपाउंड है, कंपाउंड में जो एटम है, सेंट्रल एटम है, वो अपने फाइनल ऑक्सीजन स्टेट में है। इफ सेंट्रल एटम इन कंपाउंड इज इन इट्स फाइनल ऑक्सीजन स्टेट, एक सेंट्रल एटम है किसी भी मॉलिक्यूल में,
किसी भी मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम है वो अपने फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब उसके ग्रुप नंबर, जैसे कि यहाँ मिसाल ले लें HNO3, H2SO4 यहाँ देखो, या फिर HClO4, ये कुछ मैं ले रहा हूँ, उसके अलावा CO2, SO3 और भी अगर आप ले सकते हैं, CO2 है, H2Cl, FeCl3 है, FeCl3 है, NaNO3 है, और भी बहुत से हैं, देखिए KMnO4 है, K2Cr2O7 है, ये सारे। अब इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है, ये वाला, यहाँ ये सेंट्रल है। सेंट्रल एटम कहाँ होगा, अपने फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट में, फाइनल का मतलब क्या है, एंड में, अपने फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट में, बताइए ये सेंट्रल एटम है। अब देखो सल्फर किस ग्रुप में है, 6 में, अगर ये 6 में है, अगर इसका ऑक्सीजन स्टेट 6 है मतलब ये फाइनल में है, अब और ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो इसको सिंपल मेथड करेंगे, कितने ऑक्सीजन, 4, एक ऑक्सीजन -2 है तो 4 ऑक्सीजन कितने होंगे, एक ऑक्सीजन -2 है तो 4 कितने होंगे, उनमें से 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन +1 है तो 2 है, तो 2 इससे माइनस होने बाय कितना रहेगा, ये -6 रहेगा, अगर ये -6 रहेगा तो यहाँ क्या रहेगा, -6, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो सल्फर किस में है, यहाँ +6, और उसका ग्रुप नंबर भी क्या है, +6, मतलब सल्फर के वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 के 6 इसने दे दिए, शेयर कर दिए है, मतलब ये अपने फाइनल ऑक्सीजन स्टेट में है, इससे आगे और ऑक्सीडाइज नहीं होगा। अब ये क्या करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब ये क्या होगा, जो दूसरे को करता है ऑक्सीडाइज वही क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो हम कहेंगे यहाँ ये स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यहाँ सी एल किस ग्रुप में है, 7 ग्रुप में, सीएल किस ग्रुप में है, 7 में, हैलोजन में है, सीएल हैलोजन में है, तो इसमें वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसका +7 आता है तो हम कहेंगे ये फाइनल स्टेट में है। अब आगे जो है वो ये इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकता। अब देखिए 4 ऑक्सीजन है, एक -2 है तो 4 कितने होंगे, -8, यहाँ से एच क्या है, +1 है तो +1 यहाँ से हटा दो, बाकी क्या बच गया, -7, तो -7 को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये क्या होगा, +7, तो सीएल जो है वो हम कहेंगे HClO4 में जो Cl है वो किस स्टेट में है, 7, और +7 क्या है इसका, फाइनल है, ग्रुप है, तो इससे आगे वो नहीं जाएगा। तो हम कहेंगे ये क्या होगा इसका, ये अपने फाइनल स्टेट में, जो भी एलिमेंट फाइनल ऑक्सीजन स्टेट में है वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तो वो क्या काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा। इस तरह ये देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन किस ग्रुप में है, 5 ग्रुप में, नाइट्रोजन किस में है, 5 ग्रुप में है, तो 5 ग्रुप में ये किस हद तक जा सकता है, लास्ट 5 पे जा सकता है। अब देखें यहाँ ऑक्सीजन 3 है, -6, एक ऑक्सीजन -2 है ऑक्साइड में, तो 3 -6 है, तो एक ये है, एक हटा दो काफ़ी -5 रहेगा, तो -5 को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या हो जाएगा, +5, तो नाइट्रोजन इज फाइनल स्टेट में, तो यहाँ नाइट्रिक एसिड क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसी तरह SO3 सल्फर, अब देखो सल्फर किस ग्रुप में है, 6 में, यहाँ ऑक्सीजन -2 है, कितने ऑक्सीजन, 3 है, तो -6, तो ये क्या हो जाएगा, +6, तो ये फाइनल स्टेट है, इससे आगे वो नहीं जाएगा, मतलब अब ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कार्बन किस ग्रुप में है, कार्बन किस ग्रुप में है, 4, कार्बन किस में है, 4, मतलब कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी है, 4, तो वो +4 तक जा सकता है कार्बन, इससे आगे नहीं जाएगा। तो यहाँ देखो 2 ऑक्सीजन है, तो हम कहेंगे ये एक ऑक्सीजन -2 है, तो 2 कितना होगा, -4, जब ये -4 है तो ये क्या हो जाएगा, +4, इससे आगे तो जाएगा ही, हम कहेंगे ये फाइनल, तो ये भी क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इस पे आ जाएगा आयरन पे, जो आयरन है उसका स्टेट 2 है, इसका +2 भी है और +3 भी है, और इसका फाइनल क्या होता है, +3, देखते हैं इसको, यहाँ एक Cl -1 है, कितने Cl है, 3 है, तो -3 हो गया ये, तो -3 को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये क्या हो जाएगा, +3, हम कहेंगे FeCl3 में आयरन +3, मतलब फाइनल में है, जब ये फाइनल में है तो और ऑक्सीडाइज नहीं होगा, फिर क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो ये इस तरह ये भी देखो KMnO4 में मैंगनीज, देखो मैंगनीज जो है वो किस में है, 7B में है, मैंगनीज 7B ग्रुप में है,
और जो क्रोमियम है वो 6B में है, मतलब इसका ग्रुप 7 है, इसका 6 है। हम कहेंगे मैंगनीज में कितना है, इसका मैक्सिमम प्लस 7 होना चाहिए, इसका कितना होना चाहिए मैक्सिमम प्लस 6। अगर क्रोमियम प्लस 6 है तो ये आगे ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ये फिर क्या होगा, खुद क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कुछ दूसरे को ऑक्सीडाइज किया, खुद रिड्यूस हो जाएगा। अब देखते हैं, ऑक्सीजन यहाँ 4 है तो -8, पोटाशियम 1 है तो +1 इसे हमने काट दिया, भाई कितना बच गया, -7 बच गया, तो -7 को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये क्या है, +7। तो मैंगनीज का ग्रुप भी 7B है और इसका फाइनल स्टेट भी 7 है, मतलब इससे आगे वो +8 में नहीं जाएगा, तो हम कहेंगे ये फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो जब फाइनल में है तो हम कहेंगे ये क्या है, ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा, जो ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो इलेक्ट्रॉन को लेगा। अब देखो क्रोमियम किस में है, 6B में है, इसका फाइनल +6 तक जाना चाहिए, अगर +6 है तो इसे आगे नहीं जाएगा। अब देखो ये ऑक्सीजन 7 है, एक ऑक्सीजन -2 है तो 7 कितने हुए, 14, और एक पोटाशियम +1 है क्योंकि ग्रुप 1 है तो 2 कितने हुए, +2, इससे मैंने 2 निकाल दिए तो कितना बच गया, -12 बच गया किसके, ऑक्सीजन के। लेकिन अब यहाँ कितने क्रोमियम है, 2, तो इस 2 पे तो यहाँ +12 होना चाहिए, फिर इस माइनस को न्यूट्रलाइज करने के लिए +12, लेकिन 2 हैं तो एक क्या होगा, +6। देखो क्रोमियम यहाँ +6 में है, तो जब क्रोमियम यहाँ +6 में है तो अपनी फाइनल स्टेट में है, आगे फर्दर वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, जब फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो क्या करेगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, अगर सेंट्रल एटम कंपाउंड में अपने फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो भी क्या करेगा, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करेगा, ऑक्सीडेशन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। दूसरा इसमें है, कंपाउंड्स कंटेन एलिमेंट्स इन एलिमेंट्स हैलोजन हाइएस्ट एंड यूज का होगा, दूसरा इसमें ये एग्जाम्पल है इसको। उसके बाद तीसरा इसमें करेंगे, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, और दूसरा इसमें है रिड्यूसिंग एजेंट्स। रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन से हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कौन से हो, जो इलेक्ट्रॉन को देते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर है, जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं क्या, तो इलेक्ट्रॉन देंगे तो खुद क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज दूसरे को रिड्यूस होंगे। हम कहेंगे जनरली ऑल मेटल्स क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे कि सोडियम है, एल्यूमिनियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, ये सब के सब क्या है, आयरन है, जिंक है, ये क्या है, सब के सब रिड्यूसिंग एजेंट्स। कुछ नॉन मेटल्स भी क्या होते हैं, फ्यू नॉन मेटल्स भी क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, कुछ नॉन मेटल्स हैं ये भी क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, कुछ नॉन मेटल्स हैं वो भी क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तीसरा होते हैं हाइड्राइड्स, तीसरा होता है मेटलिक एंड नॉन मेटलिक हाइड्राइड्स, कुछ मेटलिक और नॉन मेटलिक हाइड्राइड्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। अब नॉन मेटलिक हाइड्राइड्स कौन से हैं, HCl है, HBr है, HI, ये रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं नॉन मेटलिक हाइड्राइड्स। और मेटलिक हाइड्राइड्स कौन से होते हैं, मेटलिक हाइड्राइड जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा होगा, सोडियम बोरो हाइड्राइड या सोडियम हाइड्राइड लिथियम हाइड्राइड ETC, तो मेटलिक हाइड्राइड मतलब इसमें हाइड्रोजन है, तो ये भी रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं।